अपनी बेबी गर्ल का राधा रानी मेकअप कैसे कर लें? सबसे पहले बेबी को उसकी बेबी क्रीम लगाएं, फिर बेबी पाउडर लेके हम उसके फेस पे उसको लगाएं, क्योंकि हम और कोई प्रोडक्ट्स का रिस्क नहीं ले सकते बेबी स्किन पे, बिकॉज बेबी स्किन इज़ टू सेंसिटिव। तो पाउडर को पूरा स्प्रेड कर लें, एंड उसके बाद आपको लेना है आई शेडो ली और हमने पूरे आईज़ पे पिंक कलर, बिकॉज पिंक लहंगे का कलर था। आप कोई भी लिपस्टिक भी ले सकते हो अगर आपके पास आई शेडो नहीं है। मेरे पास आई शेडो थी तो मैंने आईज़ के ऊपर उसको आई शेडो लगाई। नॉर्मली यू कैन ब्लेंड इट विद योर फिंगर्स एज वेल, बट मैंने ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड किया। उसके बाद मैंने ब्लश लिया। ब्लश लेने के बाद चीक्स पे लगाओ, थोड़ा नोज़ पे लगाओ और नोज़ टिप पे, फोरहेड पे भी थोड़ा लगा सकते हो आपका मन है तो। पूरे फेस पे उसको एक बार आप स्प्रेड कर दो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर लिया, जो मैंने हाइलाइटर को नोज़ पे पॉइंट आउट किया जस्ट टू मेक द नोज़ एंड चीक्स शाइनी। उसके बाद मैंने उसकी आईज़ बंद कराई और स्केच आईलाइनर जो हमारे पास होता है वो मैंने लगाया, बिकॉज उसको ड्राई करने का वो नहीं होता, इट इमिजिएटली गेट्स ड्राई और बेबी बार बार आंखें खोलता है तो वो दिक्कत भी नहीं करता। सो वो आप थोड़ा सा अप्लाई करो अगर आपका बेबी कंफर्टेबल है लगवाने में तो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप रेड बिंदी लो, माथे पे लगाओ, चिन पे लगाओ और उसके चारों तरफ वाइट डॉट्स लगा दो। पिंक कलर की, रेड कलर की, जो भी आपके पास लिपस्टिक है या जो ड्रेस के साथ मैच कर रही है आप वो लगा सकते हो। ज्वेलरी के लिए मिनिमम आप एक पर्ल वाली नेक में माला डाल सकते हो, हाथों में नॉर्मल बैंगल्स। और उसके बाद आप बच्चे का हेयर स्टाइल करो। हेयर स्टाइल मैंने सिंपल पीछे आगे से दो चोटी बना के पीछे एक छोटा सा बन बनाया, उस पर रेड फ्लावर लगाया और चुन्नी सेट कर ली विद द हेल्प ऑफ ब्रश। मैंने अपनी इयररिंग्स को ही मांग टिक्का की तरह यूज़ करके डबल साइडेड टेप से उसको चिपका दिया और ये हमारी राधा रानी बिल्कुल रेडी।